गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एयरलाइन पायलट भारत में कैसे बना जाए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। मेरा नाम वंदिका लांबा, एयरक्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की को फाउंडर। आप हमें www.aircruiseaviation.com पे पा सकते हैं। मेरा ईमेल और मेरा फोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जब आप पायलट बनते हैं तो ना आप सिर्फ सिर्फ हवा में नहीं होते, बल्कि आप अपने करियर और अपनी जिंदगी में भी बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। कमर्शियल पायलट एक ऐसे पायलट है जिनकी इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी मानी जाती है। डोमेस्टिक एयरलाइंस इंडिया में 1.5 लाख की स्टार्टिंग सैलरी है जो एक फ्रेश पायलट को दी जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है एज अ पायलट, आपकी सैलरी इंटरनेशनल रूल्स पे आपकी सैलरी उसी हिसाब से बढ़ती है। एक्सपीरियंस पायलट जो इंटरनेशनल रूट्स पे ऑपरेट करते हैं उनकी सैलरी लगभग 5 से 6 लाख पर मंथ डिसाइड की जाती है। लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप अपनी लाइफ में पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो हायर सेकेंडरी कोर्सेज होते हैं, मीन्स आपकी 12th, उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। इन सब्जेक्ट्स में आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे एयर फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। जब आप अपनी 10+2 मीन्स 12th जब उसके आप एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको एक अच्छे एयर फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होता है। और ये हमेशा यही एडवाइस की जाती है कि आप एक अच्छे, एक बेहतरीन एयर फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लें, सो दैट आपके अच्छे आगे के करियर अपॉर्चुनिटीज हो और आपके आपका स्कोप अच्छा हो। जो जो कोर्सेज इन स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं SPL, PPL एंड CPL। SPL मतलब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस एंड CPL इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ये कुछ फ्लाइंग स्कूल्स हैं इंडिया में जिसको हमने सम अप किया है एज पर दी सर्वे, जो कि बेस्ट फ्लाइंग स्कूल से माने जाते हैं। उनमें से कुछ बेहतरीन मैंने आपके सामने लिखे हैं, जो कि हैं आपके कैलकटा, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी में, लखनऊ, बिहार, हैदराबाद, दिल्ली में एंड जयपुर एंड बैंगलोर एज वेल। बात करते हैं इन फ्लाइंग स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए। इन फ्लाइंग स्कूल्स में भारत में इन फ्लाइंग स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए इनमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एंड यू इमेजिन दिस इज द टफेस्ट पार्ट, बिकॉज जो परफेक्टली फिट स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को एडमिशन इन फ्लाइंग स्कूल्स में दिया जाता है पायलट बनने के लिए। जब आप ये इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, जो आपके जो हम स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एक लाइसेंस मिला जाता है पायलट अपना इस पायलट करियर के लिए। देयर इज अ लाइसेंस, बिना इस लाइसेंस के यू कांट बी अ पायलट। जितनी भी एयरलाइन कंपनीज होती हैं, जितनी भी एयरलाइन कंपनीज होती हैं वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को अपने जो भी इन स्कूल से पास आउट होते हैं उनको एज अ ट्रेनी सबसे पहले अपॉइंट करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके बाद आपकी सैलरी इट गोज अप। जब आप एक कमर्शियल पायलट बन जाते हैं आपका एक थॉरली मेडिकल चेकअप होता है। अगर आपके अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मीन आई साइट या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो यस आप इस पायलट लाइसेंस पे दे हैव दी अथॉरिटी टू कैंसिल योर लाइसेंस इफ यू हैव एनी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। पायलट इंडियन एयरफोर्स का भी पायलट होता है, बट यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स पायलट एंड अ कमर्शियल एयरलाइन पायलट। इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट द इंडियन एयरफोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एयरलाइन पायलट विच इज अंडर सिविल एविएशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपको पायलट बनने के लिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10+2, 18 ईयर्स ऑफ एज, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, मेडिकली फिट एंड गुड विजन। प्राइवेट पायलट के लिए
जैसे मैंने आपको बताया 10+2 गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेडिकली फिट, और जो प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल्स में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एक बेसिक नेसेसिटी है। कुछ यहाँ पर मैंने पॉइंट्स सम अप किए हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए पायलट बनने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका प्राइवेट पायलट कोर्स जो कि लगभग महीने से 2 महीने का कोर्स होता है, जिसकी जिसका खर्चा एज पर द US $10,000 होता है। इसमें एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट आपको दिया जाता है, वो वाली फीस इसमें ऐड नहीं की गई है, और मिलिट्री पायलट का इट्स फ्री। सो टॉकिंग अबाउट मिलिट्री पायलट, क्या लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेनिंग। जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स रेटिंग ट्रेनिंग, इसमें हम जो कॉकपिट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स चेक ट्रेनिंग, ये एक एडवांस कोर्स होता है जिसमें आपके जितने भी ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। मीटियोरोलॉजिकल एंड वेदर ट्रेनिंग, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि जितने भी आपके बैड वेदर कंडीशंस होते हैं उसमें आपको कैसे एक एयरक्राफ्ट को संभालना है, चलाना है, ये सब। नॉन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर पायलट के लिए होती है। सो दिस फ्लाइंग इज अ प्रोफेशन, इट कैन बी योर पैशन, और यू नो इट 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 इज अ पैशन, मतलब ये अंदर से होता है कि येस यू वॉन्ट टू बी अ पायलट। थैंक्स टू द एडवांसेस इन वेरियस फील्ड इट इज नाउ पॉसिबल टू टेक लेसन, एंड थैंक्स टू द फ्लाइंग स्कूल जिनमें ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्सेस दिए जाते हैं, सो दैट यू कैन अटेन योर लाइसेंस एंड बिकम पायलट। फोकस ऑन द जर्नी नॉट ऑन द डेस्टिनेशन, दीज आर द सम ऑफ द फेमस कोट्स बाय सम ऑफ द फेमस पायलट। आई बिलोंग इन द एयर। स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्यों एक बहुत ही यूनिक स्किल माना गया है, बिकॉज दिस इज पायलट का ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उस टाइम पे उसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी आ गया, सो यू नो यू नीड टू इन अ क्विक ऑफ स्पैन यू नीड टू डिसाइड कि अब मुझे क्या करना है। गुड आई साइट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, लीडरशिप, ये सब आप में होना चाहिए। हमारे कुछ बुक्स अवेलेबल हैं अमेजोन पे, विच इज नोन एज पायलट्स करियर गाइड। आप अमेजोन पे जाके आप इसके बारे में, और अगर आपको पायलट के बारे में, करियर के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अमेजोन में जाके इसको पढ़ सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपके सामने है, अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन या सजेशन या और एडवाइस इस बारे में चाहिए, सो वी आर देयर टू हेल्प।